जिला परियोजना समन्वयक जेकेईर पाची के मार्गदर्शन में डाइट के वरिष्ठ व्याख्याताओं का दल एवं एकीकृत माध्यमिक विद्यालय परतला छिंदवाड़ा विकासखंड के शिक्षकों ने शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत मोखेड़ा विकासखंड के देवगढ़ सहित पौनारी पालामू तथा घोघरी के स्कूलों में अपनी उपस्थिति देकर शैक्षिक वातावरण बच्चों का शैक्षणिक स्तर अकादमिक शैक्षिक सामग्री विद्यालय की अधोसंरचना लाइब्रेरी के साथ साथ जनसहयोग से विद्यालय में किए गए विशेष कार्यों को देखा। मोखेड़ विकासखंड के अकादमिक समन्वयक अरविंद भट्ट एवं मनोज कुलारे ने विकासखंड के स्कूलों का शैक्षणिक भ्रमण करवाया। डाइट के वरिष्ठ व्याख्याता टीनन ठाकरे अग्रवाल मैडम डेविड मैडम सहित सेवानिवृत्त वरिष्ठ व्याख्याता हेमंत चांद ने अपना विशेष योगदान एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। परतला के स्कूल को राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार लैबशाला के रूप में डेवलप किया जाना है। मोखेड़ विकासखंड के विद्यालय में किए गए कार्यों का अवलोकन परतला के शिक्षकों ने किया। माध्यमिक शाला के प्रधान पाठिका श्रीमती मर्सकोले एवं मनीष भट्ट सहित पूरे स्टाफ के शैक्षणिक गतिविधियों को जांचा परखा और बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम में जनपद शिक्षा केंद्र मोखेड़ के बीआरसी शशि कुमार वहाने ने परतला स्कूल टीम एवं डाइट की टीम को देवगढ़ के विकासखंड की अकादमिक जानकारी प्रदान की। सर, ये आज मोखेड़ विकासखंड में डाइट और परतला की टीम के साथ जो शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम है उसके संबंध में बताइए। आज जो डाइट और परतला स्कूल के जो शैक्षिक भ्रमण पर हैं, तो ये मोखेड़ ब्लॉक में हमारे चार स्कूल जो वहाँ के स्ट्रक्चर हुआ, वहाँ के शिक्षा की गुणवत्ता हुआ बच्चों की, और वहाँ की सुविधाएं जो है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि शैक्षणिक गुणवत्ता वहाँ के बच्चों की, और यहाँ तीसरी चौथी के बच्चा भी हमारा इंग्लिश में बात करता है देवगढ़ में, और इसी उसी प्रकार से हमारे पुनारी हुआ और घोघरी में भी प्रोजेक्ट एलईडी के माध्यम से बच्चों के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए उसी से क्यूआर कोड से का उपयोग करते हुए या दीक्षा एप्स के जो भी हैं कोर्सेज हैं उनको पढ़ाया जाता है। और इन स्कूलों को देख कर के हमारे जो परतला स्कूल के आए हैं उसी का अनुसरण करके वो बेहतर, और भी हम चाहते हैं कि ज़िले में और भी अधिक स्कूल सुविधा स्वयं की सुविधा से या टीचरों ने जनसहयोग के माध्यम से और भी स्कूलों को बेहतर किया है, और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए और भी बेहतर प्रयास किए जाएंगे। आपका नाम और पद? मालूम नहीं कि इन स्कूलों में बहुत से उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं, तो आज हमने प्लान किया था और आज हमने कुछ चुनिंदा शिक्षकों को जो बेहतर काम कर सकते हैं फ्यूचर में, उनका एक ग्रुप तैयार करके हमारे मोखेड़ विकास खंड के चार स्कूलों को दिखाया। ओनारी, दूसरा गांव था घोघरी, और एक था पालामऊ, और क्या नाम देवगढ़। ये चारों गांव के जो स्कूल हैं वो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, और उनके शिक्षकों से और यहाँ के शिक्षकों की मुलाकात करवाई, बच्चों से मुलाकात करवाई, और बहुत सी नई नई बातें जो बच्चों ने बताई और सीखी है वो इन शिक्षकों को भी बताएगी, और भविष्य में ये जो ग्रुप आया था ये अपने अपने स्कूल में जाके इस प्रकार के कार्य करेगा। तो बहुत अच्छा दिन रहा आज का, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस ग्रुप में शामिल था। आज देवगढ़ स्कूल में डाइट के व्याख्याता और परतला एकीकृत माध्यमिक विद्यालय विकासखंड छिंदवाड़ा के शिक्षकों के द्वारा एक शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत देवगढ़ स्कूल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई, और यहाँ के प्राथमिक शाला के बच्चों के शैक्षिक स्तर को उन्होंने बहुत बारीकी से जाना समझा, और यहाँ के शैक्षिक वातावरण को भी देखा, बच्चों के अकादमिक स्तर और उनसे जुड़ी हुई जो सारी चीज़ें हैं, और किस तरह से जनसहयोग के माध्यम से विद्यालय में बहुत सारी चीज़ों की जो उपलब्धता विद्यालय के द्वारा कराई गई है, यहाँ के टीम के द्वारा कराई गई है, उन सब का अवलोकन किया। चूँकि एक लैब शाला के रूप में डाइट और जिला शिक्षा केंद्र को परतला के स्कूल को डेवलप करना है, तो यहाँ के जो शिक्षक हैं
वो मोखेड़ विकासखंड के देवगढ़ सहित पौनारी, पालामऊ, घोगरी और अन्य स्कूलों का भ्रमण करके अपने उस परतला स्कूल में क्या क्या संभावनाएं बनाई जा सकती है, क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है, इन सब का परतला की टीम ने अवलोकन किया और डाइट के जो वरिष्ठ व्याख्याता हैं आदरणीय टिनेंद्र ठाकरे जी, डेविड मैडम, आदरणीय अग्रवाल मैडम और इनके साथ सेवानिवृत्त वरिष्ठ व्याख्याता सम्मानी हिम्मत चांद जी, इन सब ने भी अपना पूरा मार्गदर्शन परतला के शिक्षकों को भी दिया और हमारे मोखेड़ विकासखंड के शिक्षकों को भी अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। आज का दिन इन सारे स्कूलों में हमने भ्रमण किया और बहुत अच्छे से टीम को बहुत अच्छा लगा। ये हमारे लिए जनपद शिक्षा केंद्र मोखेड़ के लिए गौरव का विषय है।